अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं 4.2। इसमें ln के यानी लॉगरिथम के क्वेश्चन। लॉग आपको बताया कि लॉग हमारे पास दो होते हैं, ये हमारे पास कॉमन लॉग होता है और दूसरा हमारे पास ln होता है, ये भी लॉग होता है, ये हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग होता है। तो दो टाइप्स के हमारे पास लॉग मौजूद हैं, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास जो है वो ln नेचुरल लॉग है, ठीक है, nl नेचुरल लॉग। नॉर्मली हमने सीखा था कि अगर ln x लिखा हुआ होगा हमारे पास तो इसका डेरिवेटिव 1/x होगा। और अब हम डब्बा फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे कि अगर ln डब्बा मेरे पास है तो वो 1/ डब्बा, क्योंकि 1/x होता है, और अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डब्बे को, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये ln और ये पूरा डब्बा। तो ln डब्बा का डेरिवेटिव लेंगे, ln डब्बा 1/ डब्बा, और डब्बा अगेन डिफरेंशिएट होगा। तो देखिए किस तरह होगा, आप लिख लीजिएगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, d/dx ln 1 - t² 1+t². अब इसको सॉल्व करेंगे, ln डब्बा 1/ डब्बा 1 - t² 1+t², अगेन डिफरेंशिएट होगा इसका। अच्छा ये याद रखिएगा कि ये t की फॉर्म में है ना, तो ये t है, यहाँ ln t आएगा, ठीक है ना, t जिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा। राइट हैंड में जिस वेरिएबल की फॉर्म में होता है सवाल, उस वेरिएबल की फॉर्म में हमने करना होता है। तो 1 - t² 1+t², ये डिवीजन में डिवीजन है, ये टर्म ऊपर आ जाएगी। जब ये टर्म ऊपर आएगी तो 1+t² ऊपर होगा, 1 - t² यहाँ होगा, और ये लगेगा डिवीजन फार्मूला u/v, यानी हमने जो कैसे सीखा, नीचे वाला ऊपर वाला। तो नीचे वाला d/dt, ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, और d/dt नीचे वाला। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह रखिएगा, जैसे अभी मैं और नीचे वाले का स्क्वायर, अभी जैसे मैंने एक मिस्टेक करी कि मैंने ये t की फॉर्म में सवाल लिख के x की फॉर्म में कर दिया। अगर आपने पूरा सवाल सही किया है और यहाँ पे dx कर दिया, यानी एक रिधम की वजह से अगर आपने कर दिया, ये पूरा आपका सही हुआ हुआ काट दिया जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से t डिफरेंशिएट नहीं होता, t को t के रिस्पेक्ट से करना है, समझ गए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1+t² ऐसी रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 2t, माइनस 1 - t², 1 का डेरिवेटिव 0, इसका 2t, डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1+t², ये इससे कैंसिल होगा, नीचे एक बचेगा 1+t², ये भी तो स्क्वायर नहीं है, ये पूरा होल पावर 1 है और ये होल पावर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 1/1 - t, स्क्वायर नहीं आएगा सर, यहाँ तो स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है, यहाँ पे चेक कर रहा था तुम्हें, ये बचा 2 - 2t, 2 का है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट से, माइनस प्लस माइनस 2t³, फिर ये माइनस 2 - 2t, माइनस माइनस प्लस, और ये जो होगा प्लस 2t³, ठीक है। उसके बाद 1+t का स्क्वायर क्या बचा, आप 1/1 - t² तो ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस में और माइनस में, माइनस माइनस प्लस, माइनस 4t/1+t². तो मेरे ख्याल में ये आंसर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस 4t/1 - t और t की पावर 4, ये आंसर हो जाना चाहिए। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट वैसे डिफरेंशिएट करेंगे, f'(t) d/dt ln t² + t। अब ये t का डब्बा हो गया, तो f'(t) ln डब्बा 1/ डब्बा, अगेन डिफरेंशिएट होगा
इसका डब्बा आसान है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी डिफ्रेंशिएट होगा टू टी प्लस वन, ठीक है। तो टू टी प्लस वन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी। अब इसमें चाहे आप एलसीएम ब्रेक करके इसे ब्रेक कर लें या आप ऐसे ही छोड़ दें, बस ये आंसर, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसका थर्ड करते हैं। नहीं जो सर, इसमें टी कॉमन लेके और टू टी में से टी। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ टी एल एन टी, अब पूरे की पावर फाइव है। जब पूरे की पावर फाइव है ये तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टी अपॉन डी टी एल एन टी की पावर फाइव। अब ये पावर फंक्शन होगा, पावर नीचे आई, पावर में माइनस वन किया, डी अपॉन डी टी अगेन डिफ्रेंशिएट किया डब्बा एल एन टी, फाइव एल एन टी की पावर फोर, एल एन टी यानी एल एन एक्स वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन टी, तो फाइव एल एन टी की पावर फोर अपॉन टी, तो एफ डैश टी आंसर। अब ये सवाल, एल एन एल एन टी यानी एल एन डब्बा होता है, एल एन का डब्बा खुद एल एन टी है, ठीक है। तो एफ डैश टी इज इक्वल्स टू, तो एल एन डब्बा वन अपॉन डब्बा और डिफ्रेंशिएट होगा डब्बा, तो एल एन वन अपॉन एल एन टी, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टी, वन वन ज़ा वन, टी पहले लिख लिया, एल एन टी बाद में लिख लिया, एफ डैश टी। एल एन टी स्क्वायर नहीं हो सकता,